मैम जी को स्वागत करती हूँ तुहाडा सारिआं दा पंजाबी कुकिंग चैनल दे विच। मेरे वल्लों सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। अज्ज आपां मठियां बना के तैयार करांगे ते मठियां जिहड़ियां आपां मसाले वालियां बनावांगे ते इहनूं बनाउण लई जिहड़ियां चीज़ां आपां लईआं आ उहनां नूं आपां इक वारी देख लैंदे आ। इहदे वास्ते आपां 250 ग्राम जिहड़ा मैदा लिया आ, 250 ग्राम मैदे दे विच आपां 70 ग्राम जिहड़ा आ घिओ पाउणा। डालडा घिओ भी लै सकदे हो, रिफाइंड भी लै सकदे हो तुसीं। जे आपां वैसे देखिए तो तीजा हिस्सा आपां कौली दा पाउणा आ जिहड़ा रिफाइंड पाउणा आ। 2 चमचे सुकी हुई मेथी आ, 1 चमचा अजवाइन दा आ, 1 चमचा सुका धनिया आ, ते 1 चमचा ही आपां जिहड़ी आ काली मिर्च पाउणी आ। काली मिर्च जिहड़ी आपां थोड़ी जी कुट के पाउणी आ। ते सब तों पहलां आपां जिहड़ा साडा धनिया आ ते काली मिर्च आ इहनां नूं आपां पहलां थोड़ा जिहा दरदरा कुट लैणा आ। कुटी हुई काली मिर्च ते जिहड़ा धनिया आ वो आपां पा देना आ, जवैन भी पा देंगे। मेथी आपां थोड़ी जी ज़्यादा पाई है। हुण इहदे च पाउणा आ आपां लून। लून जिहड़ा आ तुसीं अपने स्वाद दे हिसाब नाल पाउणा आ। 1 चमचे तों मैं थोड़ा जिहा ज़्यादा पाउण लगी हाँ। अद्धा चमचा लाल मिर्च का पा देंगे। सारिया चीज़ों पहले आप मिला लेना है। इन चंगी तरह पहले आप आटे च मिलाना है। आटे दे विच घिओ नूं इस तरीके दे नाल चंगी तरह मिलाउण तों बाद आपां किदा चैक करना कि जिहड़ा आपां इहदे च मोयन पाया आ उह सही आ। तुसीं हत्थ दे नाल इदां मुट्ठी जिहड़ी आ बणा के देखणी आ, बिल्कुल इस तरीके दे नाल बननी चाहीदी आ। इहदा मतलब इह आ कि जिहड़ा आपां मोयन इहदे विच पाया आ उह बिल्कुल सही पिया आ। हुण आपां लैणा आ कोसा पाणी, थोड़ा जिहा गर्म पाणी लै के ते इहदे नाल आपां थोड़ा थोड़ा पाणी पा के जिहड़ा आ आपां मैदे नूं गुन्न के तिआर कर लैणा। पानी जिहड़ा आ एकदम नहीं पाना, थोड़ा थोड़ा पानी पाना आ। तो इहदा जिहड़ा आ आपां आटा गुनना आ, इह सख्त गुनना आ जिदा आपां पूड़ियां वास्ते गुनदे आ इस तरीके दे नाल इहनूं सख्त गुनना आ। मैदा देखो आपां इस तरीके दे नाल गुन लिया आ। अद्धा गिलास जिहड़ा आ पाणी अपना लग्या आ इहनूं गुन्नण लई। इहनूं हुण आपां इक वारी इदां मल के इहनूं ढक दांगे। 15 मिंट वास्ते इहनूं पाई रहिण देवांगे तां कि चंगे तरीके दे नाल जिहड़ा अपना मैदा आ सैट हो जावे। उस तों बाद फिर आपां जिहड़ियां मठियां बनावांगे। मिनट हो गए, आटा जिहड़ा साडा सैट हो गया चंगी तरह। 1 चमचा आपां तेल दा उपर पाउणा आ, इहनूं हुण चंगी तरह मलना आ।
चार तो पांच मिनट तक आटा जो इस तरीके दे नाल मलना है। तो देखो हमने बिल्कुल सही तरीके मठियां बनाने लिए बिल्कुल तैयार है। मठियां आप बनाने तो पहला तेल जो गर्म होने लिए रख देना है। तेल च भी बना सकते हो तुसी, रिफाइंड च भी बना सकते हो, घ्यो च भी बना सकते हो। जो तक अपना रिफाइंड हुण गर्म हुंदा पिया ते आपां मठियां जिहड़ियां है तोड़ के तैयार कर लैणी। नाल दी नाल इहनूं इद्दां ढक देना, इहदे इद्दां छोटे छोटे आपां पेड़े तोड़ लैणे आ। बाकी जे तुसीं थोड़ी जी वड्डी मठी बनानी है फिर तुसीं उहदे हिसाब नाल तोड़ लैणा। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੱਠੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मठियां देखो जिहड़ियां साडियां बन के सारियां तैयार ने, हुण इहनां नूं आपां तल लैणा। मठियां तलण लई देखो जिहड़ा आपां तेल आ गर्म कर लिया आ ते बहुत ज़्यादा इहनूं आपां गर्म नहीं करना, मतलब मीडियम गर्म दे विच आपां मठियां नूं पाउणा आ ते इहनां नूं आराम नाल सेकणा आ। जिन्ना ज़्यादा आपां इहनूं मीडियम जे सेक दे उत्ते सेकांगे उन्नियां ज़्यादा मठियां जिहड़ियां आ अपणियां कुरकुरियां बन के तैयार हुंदियां ने, क्योंकि मठियां नूं अंदर तक सिकण दी जरूरत हुंदी। इह नहीं कि मठियां उपरों सिक जाण पर अंदरों कच्चियां रह जाऊगियां जे आपां अग जिहड़ी आ तेज़ रखांगे। तेल जिहड़ा साडा गर्म हो गया, मठियां हुण आपां विच पा देणियां ते मठियां जिहड़ियां आ कढ़ाई दे विच तुसीं ज़्यादा भी पा सकदे हो, क्योंकि इहदे इहनूं आपां जिन्नी ज़्यादा भी कढ़ाई दे विच पै जाऊगियां तां फिर भी इह वधिया तरीके दे नाल बन जांदियां आ। बस ये है कि एक बारी मठियां नूं पा के फिर इहनूं तुसीं 2-3 मिनट तक बिल्कुल भी छेड़ना नहीं हैगा, जिन्नी तेरे देर तक यह चंगी तरह थल्ले सेक नहीं जांदी। हुण मठियां नूं आपां हिलाउणा नहीं, इहनां नूं सिकण देवांगे। देखो 4-5 मिनट हो गए इन्हों एक साइड तो पकदे, हम अपना थोड़ा जहा इदा हिला देना, इन्हों बिल्कुल हौली हौली हिलाना है, ज्यादा नहीं। मटियां जिहड़ियां तुसीं कढ़ाई च इन्नियां पानियां है कि तेल दे विच डुब्बियां होनियां चाहीदियां है। हुण इन्हां नूं फिर आपां छेड़ना नहीं है, 4-5 मिनट लिए आपां फिर इन्हां नूं पक्कन देवांगे। जदों देखो मठियां दा रंग इस तरीके दा हो जावे फिर इन्हां नूं तुसीं इदां थोड़ी थोड़ी देर बाद नाल नाल हिलाई जाणा आ, क्योंकि इस टाइम ते आके मठियां फिर जिहड़ियां आ थल्ले ज़्यादा सिकण लग जांदियां आ। बस थोड़ा जिहा आपां रंग इन्हां दा होर बदलन देना आ फिर आपां इन्हां नूं बाहर कढ लैणा आ।
ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਲ ਲੈਣੀਆਂ ਆ। ਮੱਟੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਕ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਟੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੇਕਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਕਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਸੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਮੱਠੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਮੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਕੁਰਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਮੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਕੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਕੀ ਆ ਤੇ ਐਨ ਕੁਰਕਰੀ ਬਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਬਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਮੱਠੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਸੇਕ ਤੇ ਤਲਣਾ ਆ, ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 4-5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਣ ਦੇਣਾ ਆ, ਸਿੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਐਦਾਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੜਨ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਇਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਿੰਨ ਵਿਊਵਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੱਠੀ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।